दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रीन चिल्ली सॉस, जो चाइनीज फूड में डलती है वही वाली। और आज हम इसको बताएंगे एक साल तक कैसे स्टोर करें। सॉस को खाने में बहुत ही टेस्टी होगी, बनाने में आसान है। तो दोस्तों देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। पर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है, हमने यहाँ पर लिए 100 ग्राम पतली वाली हरी मिर्ची, तीखी होती है। और हमें यहाँ पर लेना है 150 ग्राम मोटी वाली हरी मिर्ची, ये तीखी नहीं होती है। तो हमें दोनों लेनी है। अब हम रखेंगे गैस पे प्रेशर कुकर, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आप इसकी जगह जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, दोनों तरह की डाल देंगे, पतली और मोटी। इसको हमें काटना नहीं है, ऐसे ही सिंपल डाल देना है। हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, जिसे अच्छे से गल जाए मिर्ची और नीचे तली पर चिपके ना। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हमें डालना है 4 छोटी चम्मच, या आप बड़ी चम्मच डाल सकते हो। एक नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे नमक चारों तरफ हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे, और इसमें हमें लगानी है 5 सीटी। दोस्तों हमारी इसमें 5 सीटी आ चुकी हैं, अब इसकी हम गैस निकल देंगे ऐसे ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मिर्च अच्छे से गल चुकी, पर इसमें अभी पानी है, तो हमें इसको बिल्कुल जलाना है, एकदम सूखा करना है। तो आप गैस को हम कर देंगे ऑन, और गैस को हमें हाई पर रखना है, और इसका हम पानी को पूरा जला लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने पूरी मिर्ची का पानी जला लिया, एकदम सूखी हो गई ड्राई। अब हम कर देंगे गैस को बंद, और इसको हम एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। और मिर्ची ठंडी हो चुकी है, तभी उसके बाद हम इसको पीसेंगे। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चीनी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। विनेगर आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और इसको ही हमें डालकर पीसना है। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। इसका हमें एकदम बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो दोस्तों हमने इसको चला लिया है, और अब फिर से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। तो दोस्तों हमने विनेगर डालकर अच्छे से इसको पीस लिया है, आप देख सकते हो। अगर थोड़ा सा आपको पतला सॉस बनाना हो तो थोड़ा सा विनेगर और डाल सकते हो, पर इसमें पानी ना डालें। अगर पानी हम डालेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, जल्दी ख़राब हो जाएगी, और विनेगर डालने से ज़्यादा दिन तक चलती है। अब हम इसमें डालेंगे सोडियम बेंजोएट। अगर आपको 6 महीने या 6 महीने से भी ज़्यादा चलानी है, तो आप इसमें सोडियम बेंजोएट डाल सकते हो, इससे 4 दिन तक चलती है सॉस। तो हमने आधा छोटा चम्मच डाल दिए, और इसको डालने का हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी बनकर तैयार है सॉस। आप इसको फ्रिज में 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो। अगर फ्रिज के बाहर रखें तो ये 6 से 7 मंथ चल जाती है आराम से। तो आप इसको चाइनीज़ फूड में डालें, चाहे रोटी परांठे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो आप इसको एक बार बनाकर जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।